Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to the YouTube channel, My Passion Teaching. So, अब तक हमने 7.2 को complete किया हुआ है. अब हम 7.3 स्टार्ट करेंगे. उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो हम चीज देख लेते हैं. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दैट इज हम यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे में ऐड हो रहा है नई चीज. अब तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, सेक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल का. अब देखो ये आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर जो भी आपके ट्रायंगल में दिया होता है आप जानते हो अच्छे से. तो क्लास नाइन्थ में आपने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था एरिया फाइंड करने के लिए. देखो जो आपकी पूरी ट्रायंगल है ये चीज दी हो, सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, आप बस देखो अगर ऐसा हो कि अगर हम इनके डिस्टेंस फाइंड आउट कर ले, ए बी जो इनका डिस्टेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे हम, ए सी से निकालेंगे उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से, और बी सी भी निकालेंगे, और बाद में हीरोन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे. ठीक है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला इन्होंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप ये देखना चाहें तो आप देख सकते हो. थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. बाकी फॉर्मूला मेनली आपका ये है, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू. ये आपका फॉर्मूला है, इसको याद करने का ट्रिक में मैं आपको समझा दूंगी. जस्ट यहाँ पे क्या किया हुआ, यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल दी हुई है सिंपल वे में और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हुए हैं, और आपसे पूछा है कि अब एबीसी का आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे. तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे हम अगर मैं ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लूं, ये जो है छोटा वाला, और इसका निकाल दो हमारा जाएगा, तो ये वाला पार्ट किस में आ रहा है, ए बी क्यू पी. ए बी क्यू पी जो आपकी ट्रेपीजियम बन रही है उसमें आ रहा है, और जो ये वाला पार्ट है आपका वो इसमें आ रहा है ए पी आर सी. ए पी आर सी ये वाला ट्रेपीजियम में आ रहा है. ठीक है, अगर हम इन दोनों का एरिया ऐड कर देते हैं और साथ में ये जो नीचे वाला है इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सिंपल ये बचेगा, नीचे वाला बी क्यू आर सी ये भी आपका एक ट्रेपीजियम है. जस्ट वही चीजें लिखी हुई हैं, और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो इस केस में पहले साइड क्या है, ए बी क्यू पी में बी क्यू और ए पी. ठीक है, और जो इनका डिस्टेंस है वो क्यू पी है. जस्ट वही लिखा हुआ इन सब में, वही ट्राइंगल सबका लिखा हुआ है ट्रेपीजियम का. ठीक है, अब बी क्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, बी क्यू. So, यहाँ पे आपका BQ जो है वो बाई टू है, बाई टू की हाइट तक जा रहा है, और जो आपका AP है वो आपका Y1 है. क्लियर, और जो QP है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ तक का X1 है, यहाँ तक देख लो X1 गया है ना, ये भी इसकी नीचे ही है पॉइंट, तो X1 ही है, और ये X2 है, तो X1 में से अगर X2 माइनस कर दूंगे तो आपको ऐसे सिंपली वैसे ही किया हुआ है, और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये इस फॉर्मूले से ही हम आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे इस केस में. तो होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा. इसको अब याद कैसे करो, देखो हाफ तो आपको रखना है कि हाँ हाफ लगता है. अब x1 लिख रहे हैं हम, x1 पहले आप लिख लो x1 x2 x3. क्लियर हो गया. अब यहाँ पे देखो x1 है तो उसके आगे वाला क्या होता है, दूसरे का लेना है, लेकिन अब x1 का ही नहीं लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बाई टू लिख देंगे, बाई टू माइनस बाई थ्री, मतलब जो x1 है उसके अलावा ही है. अब x2 ले रहे हो तो x2 से अगला क्या आता है, थ्री आता है ना, थ्री, फिर वाई थ्री माइनस वाई वन राउंड में आएगा तो y1 आ जाएगा. अब x3 है तो y1 माइनस y2 x3 के बाद क्या अगला क्या आएगा, 1 और 2 ही आएंगे, तो y1 माइनस y2. सिंपली ऐसे याद करना है आपने. ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी डिटेल में समझ आ जाएगा. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर वन, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल और उसके वर्टिसेस दे रखे हुए हैं. ठीक है, टू कॉमा थ्री माइनस वन जीरो टू कॉमा माइनस फोर. क्या ये दे रखे हैं. अब आपने अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो क्या पढ़ा मैंने, कैसे बोला आपको याद करने के लिए, वन बाय टू, फिर अगर हम एक्स वन ले रहे हैं तो उसके आगे वाले लेंगे हम, यानी कि वाई एक्स वन के बाद क्या आता है, टू, और दूसरा क्या आता है, थ्री. ठीक है, और जस्ट अब हम एक्स टू ले रहे हैं तो एक्स टू के अगला क्या आएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस, अब एक्स थ्री ले रहे हैं तो वाई वन माइनस वाई टू. क्लियर, इतना ईजी है. मैंने देखो अब आपको ईजी हो गया याद करना भी, जस्ट वन टू थ्री, टू थ्री वन राउंड में आ रहे हैं ना सारे, थ्री वन टू. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मैंने लगा दिया. अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, बहुत ईजी है. आपका सिर्फ फॉर्मूला ये आपके होती है, एक्स वन वाई वन, ये होगा आपका एक्स टू वाई टू, ये होगा आपका एक्स थ्री वाई थ्री. और जिन बच्चों को वीडियोस अच्छी लग रही है और समझ आ रही है वो आज सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि उनको वीडियो अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, उनको क्या चीज है. अब हम सेवन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आज, तो आप मेरे को जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपको क्वेरीज हैं, जैसा भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है पढ़ने के लिए आप बता सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अज्यूम दैट
पूरा पैटर्न वाइज हम लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपको पेपर में भी लिखने में आसानी हो. अज्यूम दैट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए, अब इसको हम ए भी मानते हैं ना, तभी होगा ना आपको, फिर आप और क्लियरली अच्छे से लिख पाओगे. पूरा पैटर्न के बेस में करेंगे हम तभी अच्छा होगा. 1 0 एंड सी 2 कॉमा -4. ठीक है, अब हेयर, अब इन सब की वैल्यू भी रिकमेंड कीजिए. जो एक्स वन है वो आपका कि नहीं, एक्स वन है ना, मैंने बोला आपको एक्स वन ये है, एक्स टू आपका है -1, जो आपकी फर्स्ट फर्स्ट टर्म है. इसमें भी कंफ्यूजन है, जो फर्स्ट फर्स्ट है तीनों के वो लिख दो, इज इक्वल टू 2. और वाई वन है आपका 3, वाई टू है आपका 0 एंड वाई थ्री है आपका -4. ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. अभी मैंने आपको ये लिखा, तो यहाँ पे आप लिखोगे पूरा हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये आप लिख लेना. ठीक है, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे हाफ. अब देख लीजिए वैल्यूज, एक्स वन है आपका 2, वाई टू है आपका 0, माइनस वाई थ्री है आपका -4, तो -4 ऐसे होगा माइनस. अब एक्स वन है आपका -1 इंटू, यहां मल्टीप्लाई लगा लीजिए, नहीं भी लगाना हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, -4 -3 प्लस 2 इंटू 3 -0, सबकी वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा 1/2. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 4 एंड 7 -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2 इंटू 3 6 विच इज इक्वल टू 21/2, दैट मीन्स 10.5 स्क्वेयर यूनिट्स. ये लगाना मत भूलना क्योंकि ये आपका आपको पॉइंट देगा, स्क्वेयर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट जो है स्क्वेयर में आती है. अब यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम स्क्वेयर यूनिट्स लिखते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा लेंथी हो गया बिकॉज आपको डिटेल समझना. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे और आपको भी समझ आ गए होंगे, जिसका सेकंड पार्ट है वो आप ट्राई करेंगे और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर आपने क्या निकाला. सो क्वेश्चन नंबर टू इज, क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे. ठीक है, अज्यूम दैट, जैसे आप क्वेश्चन करोगे आप और को समझ पाएंगे. अज्यूम दैट जो आपकी फर्स्ट है उसका मैं कर रही हूँ ए 7 -2 है और जो बी है वो है 5, 1 एंड सी है 3, k. ठीक है, ये चीज हमने कर ली. सो हियर एक्स वन इज इक्वल टू 7, एक्स टू इज इक्वल टू 5, एक्स थ्री इज इक्वल टू 3, वाई वन इज इक्वल टू -2, वाई टू इज इक्वल टू 1 एंड वाई थ्री इज इक्वल टू के. जब हमने लास्ट में भी एक क्वेश्चन किया था कोलिनियर वाला, वहां पे भी हमने 0 के बराबर पुट करके वैल्यूज को के की वैल्यू निकाली थी, एक कोलिनियर मतलब एक लाइन में. ठीक है, सो इट इज 3 पॉइंट्स जो इन्होंने बोला है कि हमें निकालना है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, कब होंगे कोलिनियर, यही पूछा है ना आपसे कि 3 पॉइंट्स कब, जो कौन से पॉइंट जो हैं ये आपके पास कोलिनियर दिए हो तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना. 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब जो आपका फॉर्मूला है वो आपका एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, जितने बार आप ये फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार ही आपको ये याद आता मतलब याद होता जाएगा. ठीक है, वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला जो होता है वो 0 के बराबर आए तभी ये कोलिनियर होंगे. ठीक है, और फिर हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू जो आपका एक्स वन है वो 7 है, वाई टू आपका 1 है, वाई थ्री आपका के है 1 -k प्लस 5 इंटू वाई थ्री आपका के है और ये जो आपका वाई वन है वो आपका -2 था तो -, -, प्लस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, प्लस 3 इंटू -2 -1. ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 1/2 आप बाहर लिख लीजिए, 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 3 हो गए अंदर भी और 3 से अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इज इक्वल टू 0. यहां तक आ गया आपके पास, आपके पास यहां बचेगा फिर आगे 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 -9, जो 1/2 था वो साइड जाके 0 से यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो वहां जाके आपका डिवाइड हो जाएगा तो वो 0 से 0 को अगर डिवाइड करोगे अब तो 0 ही आएगा. ठीक है, सो इट इज 0
अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, अगर से -2k + 8 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज -2k इज इक्वल टू -8 विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -8 ओवर -2 विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 4। सो दिस इज योर आंसर। k की वैल्यू हमारे पास सिंपली कितनी आई, 4 आई, तो एंड में आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, जो आपका इसका सेकेंड पार्ट है ये भी आप ट्राई कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आपको देखो मेथड समझ आ गया, आपने जस्ट इसको 0 के बराबर पुट करना है और आपका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 एंड 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। आपको एरिया निकालना है, ये जो आपकी ट्रायंगल है वो उसके मिड पॉइंट ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, और उनका एरिया फाइंड आउट करने को आपको बोला हुआ, और एंड में आपको जो मिड पॉइंट जो नई ट्रायंगल जो हमने बनाई है उसके रेशियो दूसरी जो गिवन ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हमें दी हुई है उसका आपका रेशियो फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं, तभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अच्छे से कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आपको एबीसी ट्रायंगल दे रखी हुई है, जस्ट मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ। सो ए है आपका 0, -1, बी दिया हुआ है 2, 1 एंड सी दिया हुआ है 0, 3। अब बोला है कि जो इनके मिड पॉइंट, यानी कि मान लो इसका मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट मतलब इनका सेंटर, ए सी का सेंटर, बी ई सी का, इसके टाइप के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं तो हमें समझ आ गया होगा आपको, इनके सेंटर, इसके सेंटर इनको ज्वाइन कर लिया। अब जो बोला है कि ये जो अंदर ट्राइंगल बनी इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है और रेशियो फाइंड आउट करनी है इसके इसके ऊपर, यानी कि ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई ट्राइंगल ए बी सी, ये आपको रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर, आपको समझ आ गया आपको करना क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम, अज्यूम दैट, पहले तो हमने अज्यूम किया ना जो चीजें ए बी सी तो नहीं थी दी हुई है आपके पास। सो अज्यूम दैट गिवन ट्राइंगल ए बी सी सच दैट, जिसके वर्टिसेस हमने अज्यूम किए ए 0, -1, बी हमने माना 2, 1 एंड सी हमने माना है 0 एंड 3। ठीक है, एंड डी कॉमा ई कॉमा एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके हैं, ए बी का है डी, ई जो है आपका वो बी सी का है, और जो आपका लास्ट है एफ वो सी ए का है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं फॉर्मूला, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसको, जो हमारा अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वो किसके बराबर होंगे, जो हम इन दोनों को प्लस करेंगे एक्स एक्स वालों को और वाई वाई वालों को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि यहाँ पे एक्स है 0 और जो इस साइड में है वो 2 है डिवाइडेड बाई 2, -1, +1 इज डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, 0। यहाँ पे 2 हो जाएगा 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा तो ये 0 आ गया। एंड नाउ कोऑर्डिनेट्स और सभी के चाहिए होंगे तभी हम इसका एरिया बना पाएंगे ना, ई ई के क्या आएंगे, इन दोनों का जो एक्स है उनको हम प्लस करेंगे और वाई को भी। ठीक है, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 3 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू 0 + 0 डिवाइड बाई 2, 3 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, 1। ठीक है, यहां तक हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। सो देयरफॉर ट्राइंगल वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या, अब इनको पॉइंट दिए हमने D 1, 0 E 1, 2 एंड F 0, 1। सो हियर अभी एरिया निकालना पड़ेगा हमें, X1 = 1 X2 = 1 X3 = 0 Y1 कितना है 0 Y2 हमारा 2 है Y3 जो है हमारा 1 है। ठीक है, नाउ जो इसका एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं अभी हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे पूरा तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला आप लिख लेना यहाँ पे, मैं लेफ्ट फिलअप करती हूँ तो आएगा 1/2, 1 × 2 - 1, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 दी रखी है
टू जो है वो वाई टू एंड माइनस वाई थ्री, प्लस एक्स टू इज वन, वाई थ्री माइनस वाई वन की वैल्यू यहां पुट हो रही है जीरो, जीरो माइनस टू। फॉर्मूला आपको याद है, फिर आप चुटकियों में काम कर सकते हो। वन बाई टू, इट इज टू माइनस वन इज वन, वन इंटू वन वन, और वन इंटू वन ऑल्सो वन, और ये जीरो से मल्टीप्लाई करोगे आपको सिर्फ चीज को तो वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टू डिवाइड बाई टू इनकी वन, आपका आंसर आया वन स्क्वायर यूनिट। क्लियर, इसका आ गया। अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि हमें एंड में इनकी रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल एबीसी में एक्स वन कितना था, जीरो था, एक्स टू टू था, एक्स थ्री जीरो था, बुक खोल लीजिए, आपने लिखा है तो वो लिख लीजिए माइनस वन, वाई टू था हमारा वन, और वाई थ्री था हमारा थ्री। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिखेंगे पूरा एक्स वन और वाई वन की फॉर्म में, फिर हम फिलअप कर, मैं यहाँ फिलअप कर रही हूँ। वन बाई टू वैल्यू देख लो, जीरो वन माइनस थ्री प्लस टू थ्री माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, एंड प्लस जीरो इंटू जीरो से आगे आप कुछ ना भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन हम फॉर्मूला पूरा फिल करेंगे। जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी देखो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, यहाँ पे हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर, फोर टू जै एट, और प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू एट बाई टू, दैट मीन्स फोर स्क्वेयर यूनिट्स। तो फोर स्क्वेयर यूनिट्स इसकी आ गई। ठीक है, सो देयरफॉर द रेशियो, रेशियो हमें बोली थी फाइंड आउट करने के लिए, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट इज कितना था उसका वन एंड फोर। सो दिस इज योर आंसर, तो यही रेशियो है आपकी वन रेशियो फोर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर फोर इज फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हूज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, और अब देखो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और आपको फाइंड आउट एरिया करना है। तो अब ये मत समझ सोचना कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, हम जस्ट फिगर ड्रॉ कीजिए आप पहले, तो फिगर ड्रॉ कर लोगे फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं कुछ इस टाइप में। सो ए में यहां से स्टार्ट कर लो, माइनस फोर माइनस टू, आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन एक बात याद रखनी है कि एक सिस्टम में स्टार्ट करनी है रिस्पेक्टिवली, मतलब एक वे में। अब यहाँ पे जैसे आपके पास दे रखा हुआ है माइनस फोर माइनस टू, अब यहां से आप थ्री माइनस टू अगला लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अब ये दी हो पहले तो पहले ये लिखना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, तो बी मैंने ये मान लिया, सी मैंने थ्री माइनस टू, और जो डी है वो होगा टू कॉमा थ्री। अब देखो अगर मैं इसको ट्राइंगल बना दूं, यानी कि मैं इसका एक डायगनल यहां ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स बन गए। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जो ए डी सी ट्राइंगल है उसका एरिया अलग निकाल लेंगे, और जो आपकी ए बी सी ट्राइंगल है उसका एरिया अलग निकाल लेंगे। ट्राइंगल फॉर्मूला आपको आता है और दोनों को ऐड कर देंगे, हो गया इजी बात। ठीक है, नाउ अज्यूम दैट क्वाड, अज्यूम द क्वाड्रिलेटरल, दो लिखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट, जो हमने किया वो चीज आप लिखना जरूरी होता है। क्या लिखा हमने, ए माइनस फोर माइनस टू, बी माइनस थ्री माइनस फाइव, सी थ्री कॉमा माइनस टू, एंड जो डी माना है वो है टू कॉमा थ्री। अब और क्या किया हमने, ए सी को ज्वाइन किया, ज्वाइन ए सी, और इसके ज्वाइन करने के क्या हुआ, सो दैट जो क्वाड्रिलेटरल थी हमारी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गए ना आपकी। ठीक है, ये चीज हमने की, दैट मीन्स क्या क्या ही दोनों ट्राइंगल, such as triangle ABC and triangle CDA, such as triangle, ये दोनों हमारे triangle बन गए। ठीक है, ABC और triangle CDA, clear? अब देखो कौन से triangle लेंगे हम, इन triangle जैसे मैंने आपको बोला हम इनके अलग अलग area find out करेंगे और इन दोनों को add कर देंगे। अब इन triangle ABC जो आपका x1 है वो कितना है, माइनस फोर है, और जो आपका x2 है वो है माइनस थ्री, एक्स थ्री है थ्री, जो वाई वन है वो है माइनस टू,
और जो वाई टू है वो माइनस फाइव, और जो आपका वाई थ्री है वो है माइनस टू। अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो फॉर्मूला पूरा लिखना ठीक है, फिर ऐड करना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ लिखना आपने, ठीक है, ऐसे मत कि डायरेक्ट लिख देना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ लेकिन आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है साथ में। सो इट इज माइनस फोर माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस टू प्लस माइनस थ्री, अब यहाँ पे भी माइनस थ्री है तो प्लस में मैंने ब्रैकेट में लिखा ठीक है, माइनस टू प्लस टू माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री माइनस टू माइनस माइनस एंड प्लस, तो प्लस फाइव ठीक है। वन बाय टू यहाँ पे बन जाएगा आपका माइनस थ्री इंटू माइनस फोर इज ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं आपको पता है, ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस जीरो जीरो टू, तो ये जीरो आ गया यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे थ्री इंटू थ्री नाइन, दैट इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर। अब इनको हम डिवाइड नहीं करते, हम देखते हैं बाद में यूनिट्स। अब इन ट्राइंगल सी डी ए, अब इनमें क्या है, जो आपका एक्स वन है वो आपका थ्री है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्स टू जो है आपका वो है टू, एक्स थ्री है आपका माइनस फोर, वाई वन है आपका माइनस टू, वाई टू है आपका थ्री, और वाई थ्री है आपका माइनस टू। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ए दैट इज हाफ थ्री प्लस टू, सॉरी यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, प्लस टू इंटू माइनस टू प्लस टू प्लस माइनस फोर इंटू माइनस टू माइनस थ्री। क्लियर, हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू, थ्री प्लस टू इज फाइव, फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फाइव, माइनस फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, और तीसरा जो है जीरो है, तो जीरो आप लिखो चाहे ना लिखो। सो इट इज 35 बाई टू स्क्वायर यूनिट्स, ये चीजें आ गई। अब हमें निकालना क्या था, टोटल हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, सो आपका एरिया कितना है ए बी सी डी का, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंग, अब ब्रैकेट में लिख रही हूं मैं दोनों के लिए, तो एरिया दोनों के लिए कॉमन हो गया, ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए सी डी, या जैसे भी आप लिखना चाहो, कितना आया है 21/2, और यहाँ पे आया है 35/2, टू एलसीएम 21 + 35 दैट इज इक्वल टू 56/2, और इसको आप डिवाइड करो तो आपको आएगा 28 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है। तो आपका आंसर आ गया ये, और मैं लिख दो आप सिंपली आंसर कंप्लीट। अब जिसको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो वो मुझे कमेंट करके बता दें, और जिसको नहीं समझ आ रहा हो वो मैं चेंज करके भी पढ़ा सकती हूँ, ताकि आपको, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही कि आपको मैं समझा सकूँ ठीक है। आपको जो भी है आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फाइव इज, यू हैव स्टडीड इन क्लास नाइन्थ चैप्टर नाइन एग्जाम्पल नंबर थ्री, आप देख लेना बुक में, दैट अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। जब अब हम ट्राइंगल लेते हैं, अगर उनको हम बीच में मीडियन बनाते हैं, जैसे साथ में हम फिगर ड्रॉ भी करते हैं तभी आपको क्लियरली समझ आएगा, इन्होंने बोला है बेसिकली जो आप, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो उनका, अगर हम मीडियन बनाते हैं, मीडियन मतलब उनका सेंटर मीडियन ठीक है, तो वो दोनों ट्राइंगल के जो एरियाज थे उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हम पढ़ चुके हैं ठीक है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ए बी सी हुज वर्टिसेस आर, अब इस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है, और आपके पास ट्राइंगल दे रखी है और उसके वर्टिसेस दे, ठीक है मैम, करते हैं इस क्वेश्चन। सो ये हमने ट्राइंगल बना ली, अब हमने क्या लिखना है, जो चीजें दे रखी है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ये वर्टिसेस आपके पास दी हुई है, और हमने अज्यूम क्या किया है, सी डी इज मीडियन बीच में, दैट मीन्स डी अगर मीडियन है तो इनकी, इन दोनों को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स जो ए बी का जो ये मिड पॉइंट होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इन टू पार्ट, दैट इज ए ट्राइंगल ए बी सी बन गई एक, जो आपकी एक ट्राइंगल बनी ए डी सी बनी, सॉरी ए डी सी, और साथ में बन गई सी डी बी, ये वाली ट्राइंगल ठीक है, जैसे पिछला किया हमने वैसे ही किया। अब हम यहाँ पे डी के अगर पॉइंट निकाल लूँ मैं ठीक है, और फिर इन दोनों ट्राइंगल का हम एरिया निकालें, अगर वो दोनों इक्वल आ गया तो हमारी जो हमने नाइन्थ में पढ़ी हुई है वो प्रूफ हो जाएगी ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी वो कैसे निकलेंगे, सेंटर है तो 4+3 डिवाइड बाय 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस
प्लस ही करते हैं, माइनस नहीं आता बीच में, तो माइनस सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू, दैट मीन्स 7y2 कॉमा माइनस 8y2, या तो यहां तक लिख लो या फिर आगे भी कर लीजिए, दैट इज 3.5 कॉमा माइनस 4। ठीक है, अब डी के तो हमारे निकल गए, अब हम ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल ए डी सी। इसमें आपका एक्स वन कितना है, एक्स वन इज 4, एक्स टू इज इक्वल टू 3.5, और जो एक्स थ्री है वो आपका 5 है, ये निकाला ना मैं 3.5। बाकियों का आप देख सकते हो, वाई वन हमारा है -6, वाई टू इज इक्वल टू -4, वाई थ्री इज इक्वल टू 2। नाउ ट्राइंगल ए डी सी, अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या होगा, पूरा फॉर्मूला आप लिख लीजिए, मैं जस्ट पुट कर रही हूँ। यहाँ पे होता है आपका एक्स वन, जो आपकी वैल्यू है पता है आपको, एक्स वन -4 -2 बाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस 3.5 एक्स टू एंड बाई थ्री, और माइनस यहाँ पे है पहले से ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन इज -6, और बाई टू जो है माइनस है तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? सो इट इज -1/2 -24 प्लस 28 -10, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू -6 विच इज इक्वल टू -3। सो जो आपका -3 में आ रहा है, मतलब जो आपका एरिया होता है बेसिकली वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सो दैट मीन्स 3 3 स्क्वेयर यूनिट्स। अब इसका रीजन आप लिखेंगे ब्रैकेट में, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, सो 3 स्क्वेयर यूनिट्स का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल एडीसी आप सेम चीजें लिखो, सीडीबी सॉरी, एक्स वन लिखो, एक्स टू लिखो, एक्स थ्री लिखो, ठीक है, फिर हम यहाँ पे आप लिख लेना, हम फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी बी। इतना तो आप कर अपने क्वेश्चन कर लिए, ये आप लिख सकते हो, एक्स वन एक्स टू कितना है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो होगा हाफ इंटू जो आपका एक्स वन है इस केस में वो कितना था, -4 सॉरी 5, एंड यहाँ पे वाई टू है -4, प्लस 2 प्लस 3.5 इंटू -2 -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -10 -14 प्लस 18, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू -6, दैट इज इक्वल टू -3, यानी कि अगेन 3 स्क्वेयर यूनिट्स। इसका रीजन यहाँ पे लिख लेना आप, कि कभी भी एरिया जो है वो आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो अब देखो, इसका भी सेम आया, इसका भी सेम आया, हमारा मकसद यही था निकालना, ठीक है। सो हम एंड में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी वी, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर मीटर, एंड देयरफॉर जो एंड में जो हमें प्रूफ करने के लिए बोलो हम लिख देंगे, दैट इम्प्लाइज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो अब तक हमने देखो, अभी 7.3 मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करवा दी है, आपको मैंने बोला है जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी चीजें आपको समझ नहीं आई है, 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2 मंथ्स में, विद इन 2 मंथ हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो बाकी भी हम जल्दी से कर लेंगे। जो भी आपको अगर अच्छा लग रहा हो पढ़ाना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, साथ में वीडियो को अगर आपको समझ आ गई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम डेली आपको वीडियो बना सकें और आपको समझा सकें। थैंक यू।